equation of tangent to the circle, x square plus y square equals to 4, which makes an angle of 60 degree with positive direction of x-axis. कहने का मतलब है कि अगर ये सर्कल है x square plus y square equals to 4, इस सर्कल पे टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है जो कि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। m का मान तो tan 60 यानी रूट 3 हो गया। इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर 4 हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी गिवन सर्कल y बराबर mx प्लस माइनस a 1 प्लस m स्क्वायर, टेंजेंट एंड नॉर्मल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। रूट 3, a का मान कितना है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सेम वही क्वेश्चन, सेम उसी तरह से सवाल है। इस बार जो कोण बता रहा है ये एंगल 60 डिग्री बता रहा है, बस यही अंतर है। उस हिसाब से ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाना चाहिए। यानी कि m जो है वो tan 30 यानी 1/√3 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर 25 है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल y बराबर mx 1 प्लस m स्क्वायर होना चाहिए। a का मान 5, रेडियस 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, बढ़ा लेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा। ऐसा स्थिति में हमेशा दो टेंजेंट निकलेगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, व्हिच इज पैरेलल टू 3x माइनस 4y माइनस 1। इस सर्कल का टेंजेंट निकालना है जो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो। Given equation of circle x square y square minus 2x minus 4y minus 4, इस सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा, 1 2, और रेडियस हो जाएगा स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, और ये वाला पोर्शन घट रहा है 3 हो गया। सर्कल इस तरह से हुआ। अब एक स्ट्रेट लाइन है, गिवन लाइन 3x 4y माइनस 1, इस सर्कल को हम लोग x माइनस 1 y माइनस 2 का स्क्वायर
गिवन लाइन इसका स्लोप कितना हो जाएगा? ठीक है, स्लोप निकल गया है. स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू लाइन सेकेंड, जो दूसरा लाइन है उसके पैरेलल जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप कितना हो जाएगा? 3/4. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा? पाई माइनस बीटा एम एक्स माइनस अल्फा और ए वन प्लस एम स्क्वायर, यानी पाई माइनस टू. एम का मान कितना है? 3/4. एक्स माइनस कितना? 1. ए का मान कितना है इसका? 3. एम का मान कितना है इसका? अब आप लोग इसको बढ़ा लेंगे, दो टेंजेंट आएगा दोनों क्रम से. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन एक्स माइनस वन कॉस थीटा प्लस वाई माइनस वन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा. बोल रहा है कि आखिर वो कौन सा सर्कल होगा जिसको ये स्ट्रेट लाइन x माइनस वन कॉस थीटा प्लस y माइनस वन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 थीटा के किसी भी मान के लिए टच करे. तो इसमें भी हम लोग थ्योरी टेंजेंट एंड नॉर्मल में थ्योरी बताए थे, पैरामेट्रिक इक्वेशन में बताए थे x माइनस वन कॉस थीटा y माइनस x माइनस अल्फा कॉस थीटा y माइनस बीटा साइन थीटा इक्वल्स टू a always touches the circle for all pictorial. इस थ्योरी के अनुसार सहज ही वो सवाल बन जाना है. इसका मतलब x माइनस वन cos थीटा y माइनस वन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 always touches the circle x minus 1 by minus 1 radius 1. इसको आप जब तोड़ेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. पर सवाल बोल रहा है find the value of lambda. Lambda का मान निकालना है for which line 3x minus 4y equals to lambda touches the circle x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5. तो lambda का मान निकालना है जिसके लिए straight line इस circle को touch कर रहा है. ये आपके पास condition है, ये straight line है 3x 4y माइनस लेमडा, सेंटर गिवन सर्कल है x स्क्वायर y स्क्वायर 4x 8y माइनस 5, सेंटर है 2 और 4, रेडियस है 4 16 माइनस 5, 5 रेडियस है, सेंटर 2 4 रेडियस 5. ये स्ट्रेट लाइन उस सर्कल को तभी टच करेगा जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगा. सिंस लाइन टू टचेस बी सर्कल 1, इसका मतलब CM बराबर कितना? 5. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? 3 × 2 4 × 4 माइनस लेमडा. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
पास कितना है, 6 - 16 माइनस लेमडा 5, ये 10 प्लस लेमडा हो जाएगा माइनस हटाने के बाद, ये 25, 10 प्लस लेमडा प्लस माइनस 25, केस फर्स्ट 10 प्लस लेमडा 25, लेमडा का मान 15, केस सेकंड 10 प्लस लेमडा माइनस 25, लेमडा का मान माइनस 35। नोट कीजिए, पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहला सर्कल का इक्वेशन है रेडियस 1। इक्वेशन ऑफ सेकेंड सर्कल, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर सेंटर 2, 2, 3 रेडियस 2, 4, 9 माइनस 3, 16, 4। सबसे पहले सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 9, 16, 25, 5। R1 प्लस R2 यानी C1, C2, R1 प्लस R2 यानी कि थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे उसके अनुसार ये सेंटर 1, ये सेंटर 2, R1 R2। इसका मतलब सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ऐसा स्थिति में 1, 2 और 3, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना हो जाएगा, 3। नोट कीजिए, डायरेक्टेड सर्कल्स, डायरेक्टर सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली perpendicular pair of tangents to a circle। मेरे कहने का मतलब है कि अगर x square a square एक सर्कल है, इस सर्कल के जितने भी पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगे, जितना भी पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगे वो वापस से एक सर्कल पे लाई करेंगे पेयर ऑफ, और
इसी सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टेड सर्कल कहते हैं, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में ये भी बोला जा सकता है कि डायरेक्टेड सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसके किसी भी बिंदु से दिया हुआ सर्कल पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। कोई भी बिंदु से पेयर ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसके बीच में कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। कोई भी, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि डायरेक्टेड सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसके किसी भी बिंदु से दिया हुआ सर्कल पे जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना उसके बीच में आपस में 90 डिग्री का कोण बनता है और वो जो है ना ओरिजिनल सर्कल के कॉन्सेंट्रिक होता है, ठीक है। तो लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ एपी क्या हो जाएगा, बाई बराबर एमएक्स प्लस वन प्लस एम स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर टेंजेंट टू टेंजेंट वन, इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप का मान ये हो जाना चाहिए, यानी एम बाई यानी एक्स प्लस एम बाई होना चाहिए। पॉइंट पी अल्फा बीटा शुड सेटिस्फाई वन एंड टू, एक और दो को अल्फा बीटा सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी बीटा एम अल्फा बीटा एम क्योंकि अल्फा बीटा वो पॉइंट है डायरेक्टर सर्कल पे जिसका लोकस चाहिए, ठीक है। स्क्वायरिंग टू एंड फोर्थ एंड एडिंग देम, तो बीटा माइनस एम अल्फा का स्क्वायर एम बीटा का स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, बीटा एम स्क्वायर अल्फा टू एम अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर बीटा टू एम अल्फा बीटा वन प्लस एम स्क्वायर। अब इन दोनों के हिसाब से एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस वन अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वन बीटा स्क्वायर टू ए स्क्वायर वन प्लस लोकस ऑफ पी अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा के जगह एक्स बीटा के जगह बाई ए स्क्वायर। यानी कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर होगा, यानी इक्वेशन
of circle x square y square 25 है. The equation of its directed circle x square y square 2 into 5 square यानी 50 हो जाएगा directed circle का equation. नोट कीजिए. Find equation of tangent to the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0 at minus 1 minus 1. एक tangent का equation चाहिए minus 1 minus 1 point पे. Given circle सबसे पहली शर्त है कि वो पॉइंट उस टेंजेंट पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ये पहली शर्त है. 1 + 1 + 4 + 6 - 12 = 0. इसका मतलब P - 1 - 1 lies on the circle first. ये पहली शर्त है. Equation of tangent to the circle first. आपको tangent का equation चाहिए तो ध्यान रखिएगा. Theories में बताया था x square के जगह आपको x x one रखना है. y स्क्वायर के जगह y y 1 रखना है. 4x के जगह x 1/2 y के जगह -12. Equation of tangent at point -1 - 1 x1 के जगह y1 के जगह -1 - ax - y - 2x ये हो जाएगा -3x - 4y - 7. यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा -1 - 1. नोट कीजिए. Let A be centered on the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20. Suppose B 1, 7 and D 4 minus 2 on the circle meet at C. Find area of quadrilateral ABCD. बोल रहा है कि एक सर्कल है. Given circle. का सेंटर कितना है? 1, 2. रेडियस है 1, 4 - 20 यानी 5. ये सर्कल है, सेंटर है 1, 2. इसी सर्कल पे बी और सी चेक करने का जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपसे क्वेश्चन में ये बोला ही है कि ये दोनों पॉइंट उस पे है, यानी कि सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. सी हो गया 1, 2. बोल रहा है बी पे जो टेंजेंट है और सी पे जो टेंजेंट है, सी के जगह ये पॉइंट डी है, सी पे एक दूसरे को कट कर रहा है. आपसे
ये ए है, ए बी सी डी का आपसे क्षेत्रफल यानी एरिया मांगा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल वन एट एक्स वन बाई वन, पहले लिख लेते थ्योरीज एक्स वन बाई वन पे। एक्स स्क्वायर के लिए है 2x, x1 बटा 2, x के लिए बताए थे, y के लिए बताए थे y प्लस y1 बटा 2 रखेंगे, माइनस 20 यानी कि ये x, x1 और ये हो जाएगा x प्लस x1 ठीक है। टेंजेंट टू द सर्कल एट बी वन सेवन, पुट कर लीजिए एक्स सेवन वाई पांच बाई माइनस 35 बाई बराबर 7। टेंजेंट टू दी सर्कल एट डी 4 माइनस 2 एक्स एक्स टू बाई एक्स माइनस 4 टू बाई प्लस 4 बीस, ये आपके पास 3x माइनस 4 बाई 3x माइनस 4 बाई 20 room three and fourth सोलह, यानी कि c का क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 16 और 7, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले, ये वैल्यू को इसमें पुट कर दिए तो 16 और 7 निकल गया। अब बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 7, ये कोऑर्डिनेट सेम है तो बी सी 16 माइनस 1 ऐसे ही निकल गया, डायरेक्ट 15 निकल गया, ये डिस्टेंस 15 निकल गया, ये 5 दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बराबर ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्वाइस हाफ ये परपेंडिकुलर 5 और ये बेस कितना निकला है 15 75 स्क्वायर यूनिट, ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा हुआ है, नोट कीजिए। प्रूव दैट टेंजेंट्स एट पॉइंट 43 एंड 32 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5y प्लस 18 पैरेलल टू ईच अदर। तो गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 7x 5/18, इसका सेंटर कितना हो जाएगा 7/2 और 5/2, 4.4
4, 3 इस बिंदु के लिए 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 3 5 जोड़ के देखिए 0 हो जा रहा है 4 3 2 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 7 गुना 3 5 गुना 2 18 ये 0 हो जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों पॉइंट जो है ना ए और बी उस सर्कल पे लाई कर रहा है, चूंकि मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा 4 + 3/2 3 + 2/2 यानी 7/2 और 5/2 ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ दी सर्कल हो जा रहा है यानी सी हो जा रहा है ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका सीधा सा मतलब ए बी इज डायमीटर, चूंकि ए बी डायमीटर है और हम लोग जानते हैं वी नो दैट टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर। हम लोग ये जानते हैं कि डायमीटर के किनारों पे जो टेंजेंट्स होता है ना वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, इसका मतलब टेंजेंट एट ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर ठीक है। हम लोग ये साबित कर दिए कि ए और बी उस सर्कल पे है और इसका मिडिल पॉइंट वही आया जो कि सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर अगर ए बी पे लाई कर रहा है तो ए बी डायमीटर हो गया और हम लोग जानते हैं कि डायमीटर के किनारों पे टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होता है और यही हम लोग कर दिए। बोल रहा है कि अगर एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है और पी अल्फा बीटा उस सर्कल पे एक पॉइंट है, इस बिंदु पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्रमशः ए और बी पे अगर कट कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है ट्रायंगल एओबी का क्षेत्रफल कितना होगा। दिया हुआ जो सर्कल है उसका तो हम लोग जान रहे हैं कि सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है। गिवन सर्कल, दिया हुआ सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर यानी इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस आर है, पी अल्फा बीटा इस पे एक पॉइंट है जिस पे टेंजेंट खींचने पे क्रमशः ए और बी पे इसको कट कर रहा है, तो आपसे ये क्षेत्र पूछ रहा है, ये क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल थ्योरी के अनुसार कितना होना चाहिए, एक्स एक्स वन वाई वाई वन बराबर आर स्क्वायर यानी टेंजेंट एट पी अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स बीटा बाई आर स्क्वायर, अल्फा एक्स आर स्क्वायर बीटा बाई आर स्क्वायर वन इंटरसेप्ट फॉर्म से एक्स बटा ए, ओ ए का लेंथ कितना हो गया, ओ बी का लेंथ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बराबर आधा ओ ए ओ बी यानी आधा आर स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर बीटा यानी आर स्क्वायर टू अल्फा बीटा ये क्षेत्रफल हो जाएगा इस ट्राइंगल का ठीक है। सो दैट y बराबर x प्लस टू टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू टू आल्सो फाउंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये ऊपर वाला पोर्शन तो आप लोग कई क्वेश्चन बना चुके हैं,
ये एक नया चीज है कि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी किस बिंदु पे टच कर रहा है ये आपको पता करना है। देखिए x माइनस y बराबर 2 AB का इक्वेशन गिवन सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर 2 सेंटर 0 0 और रेडियस रूट 2। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करे रूट 2 ये 0 0 तो CM आपके पास हो जाएगा 0 माइनस 0 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 बटा रूट 2 ओवरऑल रूट 2 और रूट 2 है रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। इससे हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे कि AB टचेस द सर्कल। अब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो लेट AB टचेस द सर्कल एट x1 y1। ये x1 और y1 बिंदु पे टच कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट x1 y1 क्या हो जाएगा x x1 y y1 -2 इस सर्कल में। ये बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन कितना दिया हुआ है ये दोनों एक ही इक्वेशन को दिखा रहा है क्योंकि ये भी टेंजेंट को दिखा रहा है टच किया तो ये भी टेंजेंट है तो 1 and 2 रिप्रेजेंट्स सेम टेंजेंट इसलिए लाइक कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल इसका मतलब लाइक कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होना चाहिए। x का कोफिशिएंट x1 इधर 1 y का कोफिशिएंट y1 इधर -1 इधर -2/2 यानी x1 y1 -1 यानी x1 कितना हो जाएगा -1 और y1 कितना हो जाएगा 1 यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कितना हो जाएगा -1 और 1 कितना हो Find equation of normal to the circle x square plus y square बराबर 5 at 1 2। यहाँ P 1 2 point है और ये 0 0 से गुजर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि normal हम लोग draw करेंगे तो वो normal हम आपको बताए थे center से गुजरता है। तो equation of नॉर्मल हो जाएगा y माइनस 0 0 माइनस 2 0 माइनस 1 x माइनस 0 यानी y बराबर x। आज हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड काफी सवाल किए हैं आप लोग आगे बनाएंगे फिर हम लोग इससे आगे कल बढ़ेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे कल हम लोग ठीक है।